हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में प्रमेय 6.3 और 6.4 देखी, उसी क्रम में आज हम प्रमेय 6.5 देखेंगे। ये कुछ पूरी तरह से सिमिलर ही है 6.4 के, तो ज्यादातर चीजें वैसी ही होने वाली है। तो देखते हैं, प्रमेय 6.5 कहती है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा तो इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं देखते हैं। माना त्रिभुज एबीसी है, और एक त्रिभुज है डीईएफ, त्रिभुज डीईएफ। तो ये कह रहे हैं कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, मतलब कोण ए बराबर हो कोण डी के, और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, मतलब अंतर इन दोनों को अंतर्गत कौन कर रही है, ए बी और ए सी और डी ई और डी एफ। तो हमको दिया क्या है, ये समानुपाती हो, तो हम लिखेंगे दिया है हमको इसमें दिया है कोण ए है वो बराबर है कोण डी के, और इनको अंतर्गत करने वाली भुजाएं ए बी बटे डी ई बराबर है ए सी बटे DF। इनको अंतर्गत करने वाली भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, तो ये हमको दिया है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। अच्छा देखते हैं, समरूप सिद्ध करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो हम तीनों कोणों को बराबर बता दें, कि जैसे कि हमने सबसे पहली 6.3 पर में देखी है ए, उसमें क्या है कि यदि कोण ए बराबर है कोण डी के, कोण बी बराबर है कोण ई के, और कोण सी बराबर है कोण एफ के, तो वो क्या हो जाता है, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, रचना करेंगे जैसे हमने 6.3 और 6.4 में करी है, वही कि भुजा ए डी भुजा डी ई पर पी व भुजा डी एफ पर क्यू बिंदु इस तरह बनाएंगे, बनाएंगे कि ए बी बराबर हो जाए डी पी के व ए सी बराबर हो जाए डी क्यू के। देखते हैं इस तरह से कुछ, ये पी और ये क्यू। ठीक है, ये पता चल गया। अब करना कैसे देखते हैं, सबसे पहले हमने 6.4 की तरह ही कुछ है, देखो उसमें क्या था कि भुजाएं परस्पर हैं तो हमको कोण सिद्ध करने थे कि कोण बराबर होते हैं, तो इसमें भी हम कोण ही सिद्ध करेंगे कि तीनों कोण बराबर हैं। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या किया था हमने प्रमेय 6.4 में, हमने किया था कि पी क्यू को समांतर दिखाया था ई एफ के, पी क्यू भुजा को क्या दिखाया था, ई एफ के समांतर दिखाया था। हम उसके लिए क्या करेंगे कि जो हमको दिया है उसी का यूज करेंगे, हमको क्या दिया है ए बी बटे डी ई है वो बराबर है ए सी बटे डी एफ के। ठीक है, अब ए बी और डी ई से तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा, क्योंकि हमको पी क्यू को समांतर दिखाना है ई एफ के, तो हमको कहीं ना कहीं डी पी और पी ई को लाना पड़ेगा, डी क्यू और क्यू एफ को लाना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रमेय 6.2 की हेल्प से हम इसको बता पाएंगे कि पी क्यू समांतर है ई एफ के। तो डी पी और पी ई और डी क्यू और क्यू एफ को लाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ए बी की जगह मैं डी पी लिख सकता हूँ रचना से, और ए सी की जगह डी क्यू लिख सकता हूँ, समझ में, ए बी की जगह डी पी लिख सकता हूँ और इसकी जगह डी ई की जगह डी ई रहेगा, और ए सी की जगह मैं डी क्यू लिख सकता हूँ और ये डी एफ लिख सकता हूँ। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि हमको डी पी और डी ई में कुछ पता चल गया, डी पी और डी ई में, और यहाँ डी क्यू और डी एफ में पता चल गया, लेकिन हमको चाहिए क्या, डी पी बटे पी ई और डी क्यू बटे क्यू एफ। तो मैंने बताया था कि यदि मेरे को डी पी चाहिए और पी ई भी चाहिए, तो पहली बात तो मेरे पास क्या है, डीपी दिया हुआ है, तो इसका मतलब डीपी को मेरे को सेफ रखना है, ये जाना नहीं चाहिए कहीं भी। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको व्युत्क्रम करूंगा, इसका उल्टा लूंगा, ताकि जो नीचे रहेगा हर में वो ऐसे कैसे बना रहेगा। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको लिख सकता हूँ डीई बटे डीपी
बराबर होगा डी एफ बटे डी क्यू के। ऐसा क्यों किया फिर से समझेंगे कि मेरे को डीपी बटे पीई चाहिए और डी क्यू बटे क्यू एफ चाहिए, लेकिन मेरे पास पीई नहीं है डीई है, तो मैं डीई में से डीपी को घटा दूंगा तो पीई मिल जाएगा। और घटाते वक्त जो नीचे का रहता है ना वो सेम रहता है, जबकि नीचे का क्या है डीई है यहाँ पे, तो मेरे को डीई सेम नहीं चाहिए, मेरे को डीपी सेम चाहिए, तो मैंने डीपी को नीचे भेज दिया। और वैसे भी आप देखेंगे कि डीई में से मैं कुछ घटाऊंगा तो इसको मैं माइनस एक करना पड़ेगा मेरे को। तो देखो अब मैंने ये व्युत्क्रम ले लिया, अब क्या करेंगे, अब करेंगे कि इसमें से एक घटाएंगे। एक क्यों घटाएंगे, ताकि मेरे को पीई मिल जाएगा, डीपी माइनस एक और डी एफ बटे डी क्यू माइनस एक। तो मैं त्रिभुज को लाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखो डीई, अब अच्छा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो डीपी एलसीएम आ जाएगा तो डीई का डीई रह जाएगा और यहाँ माइनस डीपी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये डी क्यू एलसीएम आ जाएगा और ये डीएफ का डीएफ और माइनस डी क्यू हो जाएगा। अब देखो डीई माइनस डीपी, डीई में से डीपी को घटाएंगे तो पीई बचेगा, ये क्या बच जाएगा, पीई बटे डीपी। और डीएफ में से, इस पूरे डीएफ में से डी क्यू को घटाऊंगा तो ये क्यू एफ बच जाएगा, तो इसको क्या हो जाएगा, क्यू एफ बटे डी क्यू। अच्छा हमारी 6.2 पर मैं क्या कहती थी कि इस तरह से कुछ है, और यदि डीपी बटे पीई बराबर है डी क्यू बटे क्यू एफ के, तो इसका मतलब क्या होता था, पी क्यू रेखा है वो समांतर है ई एफ के। लेकिन ऐसा तो नहीं है, लेकिन डी पी बटे पी ई चाहिए, ये पी ई बटे डी पी है, तो उसमें उल्टा कर दूंगा फिर से, तो ये डी पी बटा पी ई, और इसको भी क्या कर दूंगा, डी क्यू बटा क्यू एफ। तो देखो यही चाहिए, यही बन गया डी पी बटे पी ई और डी क्यू बटे क्यू एफ, डी क्यू बटे क्यू एफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रमेय 6.2 से आपको पूरी प्रमेय लिखनी है यहाँ पे, है ना। प्रमेय 6.2 से मैं क्या कह सकता हूँ कि पी क्यू रेखा है वो समांतर है ई एफ के, ये पता चल गया मैं, ठीक है। ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये इसलिए किया कि मैं को ये दोनों एंगल बराबर बता सकूँ। ये देखो ये मैंने फिर से बताया था कि कोई दो रेखाएं समांतर है उनको एक तीसरी रेखा काटे तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो त्रिभुज डी ई एफ में क्या है, पी क्यू रेखा है वो समांतर है ई एफ रेखा के, और तो इसका मतलब क्या हुआ, कोण पी है वो बराबर हो जाएगा कोण ई के, और जो कोण क्यू है वो बराबर हो जाएगा कोण एफ के। कैसे, क्योंकि संगत कोण है, और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं यदि कोई समांतर रेखा पे काटते हैं, ठीक है। कोण पी बराबर कोण ई हो गया, कोण क्यू बराबर कोण एफ हो गया। अच्छा मेरा मेन मोटिव क्या है कि कोण बी को कोण ई के बराबर बताना है कैसे भी करके, तो मेरे को कोण बी को कोण ई के बराबर बताना है, ये मेरा मोटो है, कोण बी को कोण ई के बराबर। तो अभी हमको क्या मिल गया, कोण पी है वो कोण ई के बराबर है, तो मैं अब कोण पी को और बी को बराबर बता दू, कोण पी व बी को किसी तरह से मैं बराबर बता दू तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं ये P और B में कोई किसी तरह से संबंध बिठाना है मेरे को, कैसे करूंगा, तो देखो आप गौर से देखना, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी पी क्यू में, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी पी क्यू में, देखो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को देखो एक बार, देखो हमको क्या क्या पता है इसमें आपको बताओ। सबसे पहले तो हमको पता है कोण ए है ना वो बराबर है कोण डी के, ये तो हमको दिया है, ठीक है ये हमको दिया है। और एक चीज और पता है हमको कि ए बी रेखा है वो बराबर है डी पी रेखा के, कैसे, ये रचना से, ये रचना करी थी हमने। और ए सी रेखा है वो बराबर है डी क्यू रेखा के, ये कहां से, ये भी रचना से,
ठीक है। तो आप गौर करेंगे कि ये रेखा के बराबर है डीपी के, और ये रेखा के बराबर है, और इनके बीच का कोण भी बराबर है, तो ये होता है एस ए एस का नियम, सर्वांग समतल। इसमें क्या है, भुजा कोण भुजा बराबर है, और ये होता है सर्वांग सम। तो एस ए एस के नियम से त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांग सम है त्रिभुज डी पी क्यू के। जब दो भुजाएं बराबर हो, उनके बीच का कोण भी बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं भुजा कोण भुजा का नियम। तो इसको ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू क्या है, सर्वांग सम है। और आपको मैंने पिछले दोनों क्वेश्चनों में बताया कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, भाग बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है, इससे पता चल गया कि मेरा जो कोण बी है वो होगा कोण पी के बराबर, और जो कोण सी है वो बराबर होगा कोण क्यू के, क्योंकि दोनों सर्वांग सम त्रिभुज है और इनके संगत कोण बराबर होंगे। अच्छा अब देखो, मैं इनके कुछ इक्वेशंस के नाम देता हूँ। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, और ये इसको मैंने बोल दिया दोनों को इक्वेशन नंबर टू। तो देखो दोनों, देखो मैं उनको भी लिख देता हूँ यहीं पे, उनको भी मैं यहीं लिखता हूँ, कोण पी बराबर कोण पी बराबर कोण ई, और कोण क्यू बराबर कोण एफ। इनको देखो और इनको देखो, ये पहली इक्वेशन थी, ठीक। इनसे क्या पता चलता है, देखो पी पी बराबर है तो इसका मतलब कोण बी और कोण ई बराबर हो गए। तो यहां से क्या पता चल गया, कोण बी बराबर हो गया कोण ई। लिख दो समीकरण एक बाय दो से, ये देखो ये कहां भी कोण पी, यहां भी कोण पी, कोण पी कोण बी के बराबर है, और कोण पी कोण ई के बराबर है, इसका मतलब कोण बी और कोण ई बराबर हो गए। इसी तरह से कोण क्यू बराबर है कोण सी के, और कोण क्यू बराबर है कोण एफ के, तो इसका मतलब कोण सी बराबर हो गया कोण एफ के। ये दो चीजें और पता चल गई। और एक चीज और आपको पहले से ही पता है कि कोण ए बराबर है कोण डी के, ये तो दिया है हमको। तो आप यदि दोनों त्रिभुज को फिर से यहां देखते हैं, तो देखो दोनों त्रिभुज देखो, तो इसमें पता चल रहा है कि ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया, और ये कोण इसके बराबर हो गया। इसका मतलब तीनों कोण बराबर हो गए। तो आपने पढ़ा था प्रमेय 6.3 से, प्रमेय 6.3 से आपको पूरी प्रमेय लिखनी है। इसको बोलते हैं ए का नियम, समरूपता का नियम, ए समरूपता। यदि तीनों कोण बराबर होते हैं, किसी संगत कोण बराबर होते हैं दो त्रिभुज के, तो इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, और यही तो हमको सिद्ध करना था। तो हमारा कैसे किया कि हमने पहला हमने देखा कि अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट का क्या करना है, हमको तीनों कोणों को बराबर दिखाना है। एक कोण तो पहले ही था बराबर, तो कोण बी और कोण एफ ई को बराबर दिखाना था, और कोण सी और कोण एफ को। तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया कि हमने एक तो रचना करी थी, और कोण पी को और कोण ई को बराबर दिखाया। पर तो कोण पी और कोण ई को बराबर कैसे दिखाया कि इसको समांतर दिखाया, पी क्यू समांतर है ई एफ के। जब कोण पी और कोण ई बराबर हो गए, तो हमारा टास्क रह गया था कि कोण बी और कोण पी को भी समान दिखाना है। तो कोण बी और कोण पी को समान दिखाने के लिए हमने ए बी सी और डी पी क्यू को सर्वांग सम दिखाया, और ये दोनों सर्वांग सम थे, इसलिए क्या हुआ कि इनके सभी संगत भाग बराबर होंगे, तो कोण बी बराबर हो गया कोण पी के। तो इस तरह से हम दोनों को मिलाएं कि कोण बी बराबर है कोण पी के और कोण पी बराबर है कोण ई के, तो हम इन दोनों से कह सकते हैं कि कोण बी है वो बराबर है कोण ई के, और कोण सी है वो बराबर है कोण एफ के। तो हमको तीनों तीनों संगत कोण बराबर आ गए, तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। समझ में आया? तो इस तरह से इसमें वही था, यहाँ तक का जो अपन ने यहाँ तक का काम किया वो प्रमेय 6.4 में भी कर चुके थे अपन, है ना। इसके बाद सिंपल काम किया, सर्वांग सम दिखाया दोनों को, और सारे उसके संगत भाग बराबर करवा दिए, और तीनों संगत कोण बराबर हो गए। इस तरह से ये समरूप हो गए दोनों, ठीक है। धन्यवाद।
इसको आप खुद से एक बार करके देखेंगे, बार बार लिख के देखेंगे, समझेंगे, तब अपने आप से आएगा, एकदम से याद नहीं होगा, बार बार करके देखेंगे इसको। ठीक है।